हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज कीमा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। आई होप इस तरीके से यदि आप वेज कीमा बनाकर एक बार खा लेंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज कीमा। इसके लिए सबसे पहले लेंगे सोया चंक्स 1 कप, जिसे कि न्यूट्रेला भी कहते हैं। इसको पानी में आधे घंटे के लिए भिंगा देना है। इसके बाद इसका पानी निकाल लेना है। पानी निकाल के इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें हम इसे डालकर पीस लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, बस पल्स मोड पे इसे 2 बार चला लेना है। अब इसे पल्स मोड पर 2 बार पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे एक बाउल में हम पहले निकाल लेंगे। अब गैस पे चढ़ा लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। अब ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 5 लौंग, और इन सबको डाल के हमें थोड़ी देर तक इसे भून लेना है। जीरा हल्का सा जीरे में कलर आ जाए, फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ी प्याज, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। इसे डाल के हमें थोड़ी देर तक इसे भूनना है, जब तक कि प्याज में एक कलर आ जाए, एक पिंक कलर आ जाए, तब तक हमें प्याज को भूनना है। अब प्याज को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मीट मसाला। मीट मसाला इसलिए डालेंगे क्योंकि हम कीमा बना रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 2 बड़े टमाटर है, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 5 मिनट तक इसे हमें ढक के पकाना है। और इसमें पानी इस समय बिल्कुल नहीं डालना है, जो टमाटर का मॉइस्चर है उसी से इस मसाले को हमें पकाना है। यदि आपको लगे कि मसाला नीचे लग सकता है तो थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है। इस तरीके से हमें मसाले को भूनना है। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था और टमाटर भी अच्छे से मैश हो गया है। तो इस तरीके से 5 मिनट तक हमें मसालों को ढककर भूनना है और बीच बीच में चलाते रहना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी, तो लगभग 1/2 कप इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी देर तक इसे हम और भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर। इसे डालने के बाद भी इसे हम थोड़ी देर तक और भूनेंगे, लगभग 2 मिनट तक। इस समय ढकना नहीं है, खुले में इसे हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब मेरे मसाले अच्छे से भून गए हैं। इस समय इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स, जो हमने पीस के रखा है। यदि आपको लगे कि आपके जो मसाले हैं बहुत ही ड्राई हो रहे हैं, तो आप इसमें 1/2 कप पानी और डाल सकते हैं। पानी आप अपनी इच्छा से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे लगभग 2 मिनट तक हम भूनेंगे। अब इस समय हमें ये थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसमें हम 1/2 कप पानी और ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक कर पकाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट इसे और पकाना है। अब 5 मिनट के बाद इसे खोलकर हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस समय ये कीमा बिल्कुल भी अच्छे से पक गया है। तो इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे और भी रिच बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। और 1/2 चम्मच डालेंगे इलायची का पाउडर और इन सबको डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी धनिया और 2 चम्मच डालेंगे हम फ्रेश क्रीम। इन सबको डालने के बाद इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब वेज कीमा बिल्कुल तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं।
आई होप इस तरीके से बनाया हुआ पेज कीमा आपके घर में सभी को 101% बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो किसी भी स्पेशल डे में अपने मेन्यू में इस वेज कीमा को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। अब इसे गार्निश कर देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से और थोड़ी सी इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे। यदि आप चाहिए तो इस समय क्रीम को स्किप कर सकते हैं। अब इस गर्मा गर्म कीमा को एंजॉय करिए बटर नान या लच्छा पराठा के साथ। चावल के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मेरे वेज कीमा की यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।